तुम लोगों को क्या लगता है मैं जा पाऊंगा? और मैं जा रहा हूँ। तेरी प्यास ये क्या हुआ? कतई मैं नीचे कहता गिर गया। अबे यार जोर की लग गई, बड़ी ऊपर से गिरा हूँ मैं। कतई मस्त स्टंट था, मेरे को यार स्टंट करना बहुत पसंद है यार, पर यहाँ पर इतनी छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, कतई हमेशा मेरे को मारती पारती रहती हैं। कतई मज़ेदार है ना। ओ यार तुम लोग ये सब छोड़ो, तुम लोगों को एक बात मालूम है? वो तुम लोगों को तो सब कुछ मालूम है, बाइस टाउन से कितने सारे विलन कतई मेरे मोड वाले सिस्टम में आ चुके हैं, और कतई बाइस टाउन की तरह यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, जैसे कि सीकी बिली टॉयलेट है, डेमोन है, वो ईविल हल्क भी तो है यार, वो सारे के सारे प्लानिंग बना रहे हैं इस सिटी पे कब्जा करने की, क्योंकि बाइस टाउन तो बहुत छोटी सिटी थी और ये बहुत बड़ी सिटी है यार, इसलिए ना मैंने एक मिलिट्री बेस ढूंढा है यहाँ पर, जो कि सिर्फ मेरा है यार, और मैंने वहाँ पर अपने बहुत सारे सोल्जरों को भी रखा है, और है ना बहुत सारी न्यू अपडेटों को भी, जो कि कमाल की न्यू अपडेट है, मतलब यार ऐसी न्यू अपडेट किसी के पास नहीं हो सकती। ये देखो ये सारे के सारे मेरे मोड वाली न्यू अपडेट है, जो मेरे मोड वाले सिस्टम में है ना उसी की न्यू अपडेट हैं, वाकई में कमाल की न्यू अपडेट हैं यार ये सब। और तुम लोगों को मालूम है हम लोगों को अभी एक बहुत बड़ा काम करना है, हम लोगों को इस मिलिट्री बेस को सबसे पहले तो दुबकाना पड़ेगा, मतलब चारों तरफ से बंद करना होगा। दो तीन जगह हैं जो कि ये मिलिट्री बेस जहाँ से खुला है मेरे को वो जगह बंद करनी होगी, क्योंकि विलनों का कोई आता पता नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, और एक बार अगर वो आ गए तो तुम लोग जानते हो सब कुछ तबाह कर देंगे, मेरी न्यू अपडेट है मेरे मोड और सब छीन लेंगे। ये देखो ये रास्ता तो यहाँ से हो गया बंद, अब हाँ वो देखो मेन गेट, बस मेरे को मेन गेट बंद करना है, फिर तो कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं यार, मेरे को मेन गेट पे ना थोड़ी सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, बहुत बड़े बड़े ये पत्थर लाता हूँ और इनको बिछा देता हूँ सबसे पहले नंबर, तो इन टैंकों को अब जो भी आएगा खुद ब्लास्ट हो जाएगा। अब बारी है इन पत्थरों की, पूरे पत्थरों से ना इसको कवर कर देता हूँ, अब कोई आ ही नहीं पाएगा यार। ये सब तो ठीक है, अब मेरे को है ना अपने मिलिट्री बेस में सबसे पावरफुल जो मैं बाइस टाउन से ट्रांसफॉर्मर टैंक लेकर आया था, वीडियो तुम लोगों ने देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी तो जाकर देखी हो, ठीक है ना। और ये देखो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये है ट्रांसफॉर्मर टैंक जो कि मैं बाइस टाउन से लाया था। एक चीज़ तो हो गई, अब बारी है यहाँ पर मैं रख देता हूँ अपने बहुत सारे, ये देखो ये किलिंग मशीन लेकर आया था बाइस टाउन से, और अरे यार कहाँ गया पुलिस ट्रांसफॉर्मर, हाँ ये पुलिस ट्रांसफॉर्मर भी लेके आया था, इसे भी यहाँ पर रख देता हूँ। अब हाँ मैं अपने बहुत सारे सोल्जरों को बुला लेता हूँ, सोल्जर पुलिस वाले, हाँ ये सारे के सारे बाइस टाउन के पुलिस वाले हैं, जो कि मेरे कभी दुश्मन हुआ करते थे लेकिन अब कतई मेरे दोस्त बन चुके हैं यार। और इन वाले पुलिस वालों को भी और इन ज़ॉम्बीज़ों को भी रख लेता हूँ और इसको भी रख देता हूँ। अब हो गया क्या? हो गया। देखो यार मैंने सब कुछ सेट कर दिया, कहते यार अबे पागल है क्या, रोबोट तेरे 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 चूने से भी लग जाती है यार। हाँ अब यार ये सारे के सारे लोग बाग खुद बाग खुद संभाल लेंगे हर चीज़, कितने सारे सोल्जर हो गए अपन के, अब तो कतई कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमारे मिलिट्री बेस में बहुत सारे सुपर पावर हैं लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यार गन नहीं है यार, गन बहुत बेकार गन है यार, और ईविल हल्क के पास एडवांस गन है जो कि कतई बाइस टाउन से उसे मिली है एडवांस गन है। मेरे को भी यार पावरफुल गन चाहिए यार, एकदम बिल्कुल पावरफुल गन, और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को बाइस टाउन जाना पड़ेगा यार। आखिरकार मैं बाइस टाउन तो आ गया। टिप्सन को मालूम होगा कि कहाँ से मेरे को सबसे पावरफुल गने मिल सकती है, कौन दे सकता है? टिप्सन, वह टिप्सन, अबे बहर भला इंसान क्या हुआ आप तेरे को? अबे टिप्सन मेरे को ना सबसे पावरफुल गने चाहिए उस ईविल हल्क का सामना करने के लिए। तो तू एक काम करना, तू उस बिजारो के पास जा। बिजारो? अबे हाँ यार बिजारो को मैं कैसे बार बार भूल जाता हूँ यार, उसकी गन शॉप तो पूरी दुनिया में फेमस है, मतलब इतनी पावरफुल गन, मतलब तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। एक बार बस मेरे को वो गन शॉप मिल जाए, फिर मैं जाऊँगा उस ईविल हल्क की टीम से लड़ने के लिए, और कतई सबकी पुंगी बजा दूंगा। तो चलो जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और सीधे चलते हैं यहाँ से बिजारो के पास, मैं भी देखता हूँ ये बिजारो आजकल कर क्या रहा है यार, वैसे बहुत टाइम बाद मैं उसे देखने जा रहा हूँ। तुम लोग तो जानते हो कतई मैं अब माफिया सिटी बोर में ही ज़्यादातर रहता हूँ, तो मैं यहाँ पर बहुत कम ही दिखता हूँ। ओए बिजारो यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा है बिजारो क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा। एक मिनट, मैंने ही बिजारो को ना एक जगह छुपा के रखा है, लेकिन रुको ये पुलिस वाले यहाँ पर क्यों आ गए यार? ये पुलिस वाले कतई मेरी फुंगी बजा देंगे, कतई बिजारो को अगर इन लोगों ने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, निकलो इधर से।
ये तो गए। अब जल्दी से मैं बिजारो को कर देता हूँ इक्विप। ओए बिजारो बिजारो, मेरे को ना फटाफट से गन टॉप चाहिए, वो भी सबसे पावरफुल वाली गन टॉप। ठीक है। ओ इसने तो यार मेरे को गन टॉप दे दी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन पुलिस वालों पर मैं वो गन टॉप इस्तेमाल करूँ। मेरे को इस्तेमाल करनी है उस ईविल हल्क की टीम पर। आ रहा हूँ मैं ईविल हल्क की टीम, कतई तुम्हारी पुंगी बजा दूंगा। और ये देखो यार, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। अरे पहुँच गए यार। वो देखो ये है ईविल हल्क की टीम। यार वो मेरे को है ना वहाँ से वो सबसे पावरफुल किलिंग मशीन लेनी है। वो ईविल हल्क की किलिंग मशीन है। और सोच रहा हूँ मैं तुम्हारी किलिंग मशीन ले लूँ क्या। ओए रोपी ना रोक। ओ शिट यार, ये लोग तो मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। रुको मैं अभी बताता हूँ। बस तेरी भैंस के आगे ये है क्या चीज़, अजीब सी चीज़ है ये जोम्बीज। ये जोम्बीज मैं जानता था, हमेशा से जानता था, ईविल हल्क से ही मिली हुई है जोम्बीज तारे के तारे। शिट अब मेरे पे लगता है ये लोग मारने की फिराक में। कहते इससे पहले ये मेरे को मारा, मैं इन लोगों की पुंगी बजाता हूँ। मार मार के कहते ऐसी की तैसी कर दूंगा सारे लोगों की। चले जाओ इधर से, ये तो पूरी की पूरी मेरी सिटी है, मैं नहीं दे सकता ईविल हल्क को। अब गए क्या सोल्जर। अब यार अभी भी गोली मार रहे हैं, पता ना कहाँ कहाँ से मार रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास एक ऐसा मोड है जिससे मेरी हेल्थ कभी कम नहीं होती। रुको इसकी भैंस क्या, ये कहाँ से उड़ उड़ के आ गया। लगता है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आया है इस बार ईविल हल्क मेरे को हराने के लिए। लेकिन मैं हारूंगा ही ना यार, मैं ही जीत के रहूंगा। गया। और कोई है क्या? और तो कोई ना दिख रहा। अबे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन लोगों से यार लड़ने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना मैं इन लोगों से लड़ूंगा ना, ये तो ही ना कतई मेरा टाइम बर्बाद करेंगे। और ईविल हल्क यहाँ पर पहुँच सकता है किसी भी समय पर। इससे पहले ईविल हल्क आए मैं उसकी किलिंग मशीन लेकर भाग जाता हूँ, क्योंकि बिना किलिंग मशीन के वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा यार। क्योंकि तुम लोग जानते हो एक रोबोट लड़ाई को कितना ज़्यादा आसान बना देता है। अब उसके पास जब रोबोट ही नहीं होगा तो वो वाकई में थक जाएगा। मैं गाड़ियाँ भी फोड़ देता हूँ, कई सारी की सारी गाड़ियाँ फोड़ देता हूँ तो ईविल हल्क की। अब आएंगे असली मजाए। अब तुम लोग देखियो यार, वो ईविल हल्क कतई जरूर यहाँ से भाग जाएगा। और अगर नहीं भी भागा तो हमारा मिलिट्री बेस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब पागल हो गए हो क्या? ये सोल्जर अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इनको लग रहा है कि मैं ये किलिंग मशीन दे दूंगा। नहीं दूंगा यार, निकल जाओ इधर से। यार ऐसी जगह पे तो एक बार मेरे को भी जाना चाहिए, पर ये जगह मिलेगी कहाँ पर मेरे को? जहाँ पर भी मिले। अभी तो ये सोल्जर मेरी पुंगी बजा रहे हैं। इससे पहले ये सोल्जर ईविल हल्क को बुला लें और ईविल हल्क वाकई में इधर आ जाए, मेरे को वाकई में यहाँ से भाग लेना चाहिए। भाग ही लेता हूँ यार, भाग लेता हूँ। वैसे भी हम लोग जीत चुके हैं यार, और मेरे पास इतनी ज़्यादा पावरफुल गन टॉप आ गई, तुम लोग जानते ही हो यार। अब तो ईविल हल्क किसी भी सूरत में नहीं बचेगा। मेरे को अपने सारे के सारे सोल्जरों को है ना ये न्यू गन टॉप देनी है। और तुम इन वीडियो को देखो। गुड डे, बाय बाय।